तो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप नजदीक आ चुका है और T20 वर्ल्ड कप के लिए सभी टीम ने कर दी है रिलीज जर्सी और जर्सी का पोस्टर हो चुका है सभी टीमों का रिलीज। तो जो अभी तक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान तीनों टीम में जर्सी रिलीज कर दी थी और अपने बेस्ट प्लेयर के साथ उन्होंने पोस्टर का पिक भी अपलोड कर दिया था, तो वहीं पर जब टीम इंडिया ने अपना पोस्टर रिलीज करा, जर्सी रिलीज करी, तो उसमें विराट कोहली का फोटो नहीं दिखा, जो कि पिछले T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली टीम के कप्तान थे और इस वर्ल्ड कप में वो टीम को प्लेयर की तरह गाइड कर रहे हैं, पर उनकी बजाय सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या दोनों का फोटो दिखा पोस्टर के अंदर और रोहित शर्मा जो कि कप्तान है उनका भी फोटो दिखा। तो इसी बात को लेकर शायद विराट कोहली हो गए नाराज, क्योंकि उन्होंने BCCI से एक बार तो जरूर पूछने का प्रयास किया कि शायद मेरा पिक इस पोस्टर में हो सकता था या नहीं हो सकता था, क्या मैं इसके काबिल नहीं था इस बार, जो कि अब उनका फॉर्म वापिस आ चुका है तो उनका कॉन्फिडेंस भी वापिस आ चुका है और अब लगता है कि वो T20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं टीम इंडिया के लिए। और टीम इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर है और उन्होंने अपना प्रैक्टिस जोर शोर पे रख रखा है। तो आपको क्या लगता है, उनका फोटो होना चाहिए था पोस्टर में या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और क्या वो इस T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीत पाएंगे या नहीं, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में विराट कोहली से और टीम इंडिया से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तो उन सबको पाने के लिए नीचे जो लाल कलर का बटन है उसको कर लें टच और हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।